कब होगी शराबबंदी, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। यूं तो शराबबंदी एक सामाजिक मसला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब यह सियासी मसला बनता जा रहा है। कई राज्यों की सरकार ने शराबबंदी लागू तो की है, लेकिन उनका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। इन राज्यों में चोरी छुपे शराब लाने का काम बदस्तूर जारी है। बड़े नियमों के बाद भी शराबबंदी वाले राज्यों में धड़ल्ले से शराब मिल जाती है। इतना ही नहीं, शराब माफिया का तंत्र इतना मजबूत है कि शराबबंदी वाले राज्यों में युवा वर्ग शराब की अवैध बिक्री से जुड़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी सरकार से तत्काल शराबबंदी करने की मांग की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या देश में शराबबंदी का कोई सफल मॉडल है जिससे शराब बंद हो लेकिन इसका कोई नकारात्मक असर समाज पर ना पड़े? आखिर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का क्या मॉडल हो और क्या शराबबंदी ही इस मसले का केवल एक समाधान है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में तीन तरह के राज्य हैं। एक जहां लंबे समय से शराबबंदी है, जैसे गुजरात और नागालैंड, जहां 1960 और 1989 से शराबबंदी लागू है। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। दूसरी श्रेणी में वो राज्य हैं जहां शराबबंदी लागू की गई लेकिन उसे वापस लेना पड़ा। मिजोरम में साल 1997 से 2014 तक शराबबंदी रही, फिर 2019 से दोबारा लगाया गया। मणिपुर में साल 1991 से है, लेकिन 2002 में आंशिक छूट दी गई। हरियाणा में 1996 में शराबबंदी लगाई गई, लेकिन 1998 में इसे हटा दिया गया। केरल में 2014 में शराबबंदी की गई, लेकिन 2017 में वापस लेना पड़ा। आंध्र प्रदेश में साल 1992 में शराबबंदी लागू की गई, लेकिन 1997 में इसे वापस लेना पड़ा। तमिलनाडु में साल 1974 में शराबबंदी लागू की गई, लेकिन 1981 में हटा दिया गया। तीसरी श्रेणी में वो राज्य हैं जहां शराबबंदी एक मुद्दा है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। यहां विपक्ष की सियासत का ये बड़ा मुद्दा है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी शराबबंदी निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है और इससे परिवार को बड़ा नुकसान होता है। महिलाएं इससे ज्यादा प्रताड़ित होती हैं। शराब पी के पति आ जाए तो पत्नी डरी रहती है, समी रहती है, बच्चे किसी कोने में रहते हैं। तो निश्चित रूप से शराब छूटना चाहिए लोगों का जी। अब सवाल इस बात का है कि हमारे पास गुजरात मॉडल है, हमारे पास बिहार मॉडल भी है। अब इस बीच में हमको अपने सामाजिक और भौगोलिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए कोई फैसला लेना पड़ेगा। और इसलिए मैं बार बार इस बात को जोर देता हूं कि जब तक समाज आगे आके इस आंदोलन को हाथ में नहीं लेगा, शराबबंदी केवल कागजों में रहेगा, शासन आदेश भी कर दे, तो हमारे पास तो 7 राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। उड़ीसा है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, 7 राज्यों से घिरा लैंडलॉक है। ऐसे नहीं कि हमारे तरफ एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ समुद्र है, हम एक तरफ रोक लेंगे तो रोक, यहाँ चारों तरफ से कहीं भी शराब आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब तक के सामाजिक जागरूकता हम लोग नहीं लाएंगे और समाज इस आंदोलन से जैसे नहीं जुड़ेगा, तो शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं होगा। जिन राज्यों में शराबबंदी है, उन राज्यों में शराब हर जगह उपलब्ध है। अब ये 2 नंबर के रास्ते से आ रहा है। शराब के कारोबार को माफिया तंत्र के द्वारा चलाया जा रहा है। माफिया तंत्र युवाओं को शराब तस्कर और शराब कोचिया बना रहे हैं। बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी नाकाम है, लेकिन 1960 से जिस गुजरात में शराबबंदी लागू है, उस गुजरात में भी हर जगह शराब उपलब्ध है। जब सभी जगह यही हाल है, तो सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान में कहीं भी शराबबंदी का सफल मॉडल है? ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के राजनीतिक संपादक रुपेश गुप्ता, और उनके साथ मौजूद है एक खास पैनल। रुपेश, ओवर टू यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूरे देश में एक विमर्श चल रहा है कि शराबबंदी की जाए या ना की जाए। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसे कई राज्य हैं जो पिछले 3 दशकों में शराबबंदी को अपना करके छोड़ चुके हैं।
अगर पूरे देश में बात की जाए तो दो या तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर शराबबंदी लंबे समय से चल रही है, जिसमें नागालैंड और गुजरात का नाम आता है। मिजोरम जरूर एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में शराबबंदी बंद की गई और उस समय के लिए शुरू की गई, लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जहां शराबबंदी लागू करने के बाद उसको हटाया गया। इसमें केरल जैसे राज्य है, हरियाणा जैसे राज्य है जहां पे शराब का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, आंध्र प्रदेश है जहां पे 3 साल तक लागू हुआ और वहां से भी सरकार को हटाना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि क्या इस देश में कहीं पे शराबबंदी का सफल मॉडल मौजूद है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार और गुजरात से मेहमान जुड़ रहे हैं। गुजरात से हमारे साथ अखिल पॉल जुड़ रहे हैं, डॉक्टर शांति यादव बिहार से जुड़ रही हैं, इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता मंजीत कौर बल भी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी छत्तीसगढ़ से। चर्चा को शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे बाद में 2016 के आसपास शराबबंदी लागू हुई है, तो इसलिए पिछले 3 सालों में शराबबंदी वहां पे किस स्थिति में है और शराबबंदी जिस स्थिति में है उसकी वजह से क्या कुछ हो रहा है, हम डॉक्टर शांति यादव से समझने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या स्थिति है बिहार की स्थिति? हमने तो जाकर के देखी कि शराबबंदी शराब अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है। जी, शराब अवेलेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हालांकि सरकारी आंकड़े कुछ और भी बताएंगे, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि शराबबंदी कानूनी तौर पर लागू है, लेकिन वास्तव में शराब बिकती है, लोग पीते हैं, उसका सेवन करते हैं, इवन लोग बनाते भी हैं शराब, और इस पे कोई एक पुख्ता जो है इंतजाम इसके लिए कुछ सोचा नहीं गया है सरकारी तौर पर। और सामाजिक चेतना की जहां तक बात करें तो सामाजिक चेतना ऐसी नहीं है कि लोग खुद ब खुद सोचें कि ये हानिकारक चीज है तो इससे हम परहेज कर लें, तो इसलिए शराब बिक रही है और बल्कि ज्यादा महंगी बिक रही है, और इसका नेटवर्क है। और कुछ लोगों का तो ये मानना है, मेरा भी मानना है कि इससे पुलिस और जो और भी अफसरान इसमें शामिल होते हैं उन लोगों को एक आय का जरिया मिल गया है, जो कि इस तरह से चोरी छुपे शराब को आने देते हैं कहीं से और कहीं बिकने देते हैं, यह एक तंत्र ही स्थापित हो गया है। तो इसमें सरकारी दावे खोखले महसूस हो रहे हैं, और ये साबित हो रहा है कि शराब बंदी यदि कहीं हटी होगी तो मुझे लगता है शायद इन्हीं परेशानियों की वजह से हटी होगी, कि इतनी महंगी शराब हो गई है अभी तब भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी शराब का सेवन कर रहा है, और हम लोग नजदीक से गांव में रह करके भी इसको देख रहे हैं। तो अब बिहार सरकार क्या सोच रही है इस पे पता नहीं। मंजीत कौर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सामाजिक चेतना जरूरी है, जैसा किसी के डॉक्टर शांति यादव ने किया, उसके बिना मुकम्मल नहीं हो सकता ये फैसला। एक तो इस फैसले को लेकर मैं बहुत इस तरह की बातचीत और फैसले से ही सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अपने आप में शराबबंदी से चर्चा करना बड़ा दुखद है। इसके बजाय सरकारों को कि आखिर लोग शराब पीते कैसे, मेरी बात को या मेरी सहमति या मेरे मत को डॉक्टर शांति जी ने बहुत अच्छा बल दिया कि शराबबंदी हो जाने से शराब नहीं रुकने वाला है, और इसी के कारण आज तक मैं इस विषय पे ना कभी चर्चे पे आना चाह रही थी, और आज चूंकि विषय को हम कहीं और ले जाने के लिए आप लोगों ने स्पेस दिया है, इसलिए मैं बातचीत करना चाहूंगी कि शराबबंदी क्यों और शराब क्यों, दोनों स्थिति में है कि आज युवा कब शराब पीना शुरू करता है, और दो तरीके का शराब, एक मैच्योर, एक लगता है कि लाइट क्लास भी शराब पी रहा है, उसके साथ हमारी बातचीत नहीं हो रही क्योंकि हमें लगता है गरीब आदमी इससे प्रभावित हो रहा है, घरेलू हिंसा इससे प्रभावित हो रही है, लेकिन वास्तव में उनके पीछे क्या कारण है, कब वो शराब पीना शुरू कर रहा है, क्यों पीना शुरू कर रहा है। आज अभी इस साल कोरोना काल में स्कूलों के नहीं खुलने पे किशोर अवस्था के लड़के लड़कियां भी नशे के आदि हो रहे हैं। आप शराब हटाएंगे क्योंकि उनके अंदर बेचैनी है, उनके अंदर ऊर्जा है, लेकिन उसका कोई सलूशन नहीं है, उनका कोई समाधान नहीं है, उनकी रचनात्मकता का, उस ऊर्जा का कहीं उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी की बजाय शराब में नहीं जाएंगे तो किसी और नशे में जाएंगे,
तो एक विकल्प खड़ा हो जाएगा, जैसा कि शांति जी ने बहुत अच्छा कहा कि महंगा एक तंत्र खड़ा हो गया, वैसे यहाँ कोकीन और पता नहीं ड्रग्स का नया तंत्र खड़ा होने लगेगा। तो इस विषय की गंभीरता के बजाय जितने लोग इस विषय को काम करते हैं उन सबसे मैं बार बार अनुरोध करती हूँ कि कब आदमी शराब पीना शुरू करता है और क्यों पीता है, इस पे काम करना और अपनी ऊर्जा लगाए, अपना समय लगाए और अपनी मत उस ओर ले जाएंगे तो बेहतर होगा। ये कानून इस तरह से सफल होने वाला नहीं। रुपेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पॉल साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि गुजरात वो राज्य है जिस दिन से वो राज्य बना उस दिन से उसमें शराबबंदी को अडॉप्ट किया, लेकिन वाकई में क्या गुजरात में लोगों को शराब मयस्सर नहीं है? क्योंकि मैं आंकड़े देख रहा था 25,000 या 30,000 या उससे ज्यादा ऐसे लोग हैं 60,000 के जिनके पास पीने की परमिट, यानी वो पी सकते हैं। बिल्कुल कैसी स्थिति है रुपेश जी? वास्तविक स्थिति यही है कि हेल्थ ग्राउंड्स पे स्वास्थ्य संबंधी एक्सक्यूज देकर आप 50 साल की उम्र के बाद कभी भी लिकर परमिट बनवा सकते हैं, और उसके बाद आप परमिट जो परमिट शॉप्स हैं वहां से आप लिकर ले सकते हैं। अभी फिलहाल तो करीब 65% वैट उस पर लगता है, लेकिन लोग फिर भी लेते हैं। ये तो एक लीगल तरीके से जो मिल रही है वो, लेकिन ये खुला सच है कि आप गुजरात में कहीं भी किसी भी समय किसी भी ब्रांड की शराब अगर आपको चाहिए तो उसका प्रबंध हो जाता है। और इसमें जो नेक्सस है वो तंत्र का और साथ ही बूटलेगर्स का एक बहुत स्ट्रांग तंत्र है, इसको तोड़ पाना गुजरात में भी संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल बहुत पैसे वाली लॉबी है जो पुश करती है। तो ये एक पक्ष जो है ये बड़ा अपने आप में एक विडंबना है कि गांधी जी का नाम लेकर हमने गुजरात को शराब मुक्त बनाया था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पोरबंदर में गांधी जी के जो घर है उस घर से ज्यादा दूर नहीं वहां भी आपको शराब मिल सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि कानून तो काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इसकी वजह क्या है, कानून क्यों नहीं काम कर पा रहा है? क्योंकि कानून जो चीज डॉक्टर शांति यादव ने कही, सामाजिक जो चेतना है वो शराबबंदी को लेकर के विकसित नहीं हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 1960 से 60 पिछले 40 उधर और 20 इधर 60 साल से अगर शराबबंदी है तो सामाजिक चेतना तो होगी, या फिर अब जो जनरेशन आ रही है उसकी सामाजिक चेतना पहले की जनरेशन से अलग है। मुझको गुजरात में 30 साल हो गए अहमदाबाद, और इन पिछले 30 सालों में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि मुझको लगे कि सामाजिक चेतना शराबबंदी के फेवर में बन रही है, क्योंकि लोग जो यहाँ नहीं पी पाते हैं वो या तो माउंट आबू चले जाते हैं या दीव दमन चले जाते हैं या वापी के बाद आगे थोड़ा महाराष्ट्र बॉर्डर में चले जाते हैं, राजस्थान बॉर्डर में चले जाते हैं। तो उन जो पीने वाले हैं और जो शौकीन हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं पैसों से भी जुड़ी हुई ये आदत जो है ये पैसों से भी जुड़ी हुई है, पर्टिकुलरली गुजरात में। वैसे तो गरीब तबके के लोग भी बहुत पीते हैं। गुजरात में अंग्रेजों का जब शासन चल रहा था उस समय एक कम्युनिटी थी छारा कम्युनिटी, और छारा कम्युनिटी को अंग्रेजों ने परमिट दिया था कि वो देशी शराब ब्रू कर सकते बना सकते हैं। तो वो आज भी करते हैं, लेकिन वो पुलिस के साथ उनको बराबर परेशानियां होती हैं, उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उनका चोरे छुपे बनाना चलता रहता है। लेकिन इसमें एक चीज एक बहुत बड़ा फायदा जो हम आज देखते हैं, गुजरात को अगर हम महिलाओं के लिए अगर सुरक्षित मानते हैं कि रात को 2-3 बजे भी आप महिलाओं को अकेले स्कूटी पे कार में एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देख सकते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि शराबबंदी कम से कम इस मामले में बहुत फायदेकारक रही कि लोग दारू शराब पीने के बाद सड़कों पर नहीं जाते, जो पी रहे हैं वो अपने घरों में हैं। और पुलिस का एक डर तो है कि अगर सड़क पे जाएंगे तो पकड़ा जाएंगे,
ये एक बहुत मैं समझता हूँ लॉ ऑर्डर के लिए एक बहुत फेवरेबल चीज है, लेकिन उसको बंदी के शराब बंदी के साथ किस हद तक हम लागू कर सकते हैं वो आई थिंक बिहार में हमको देखने को मिला या उन राज्यों में देखने को मिला जहाँ ये सख्ती से कानून पालन नहीं हो पाया। जी, क्योंकि आपके पास आपके जो स्टेट है गुजरात उसके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, लिहाजा वहाँ की परिस्थितियाँ, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि अवेलेबल है और शराब के शौकीन भी हैं। अब बिहार में मैम हालांकि 4 साल ही हुए हैं, लेकिन क्या वजह लगती है कि क्यों ये उस तरह से सक्सेस मॉडल नहीं हो पाया? क्या पूरी तरह से तैयारी नहीं की गई थी, आकलन नहीं किया गया था, क्या वजह रही? वजह तो कई वजहें हो सकती हैं इसमें, और मुझे लगता कि सबसे ज्यादा कि अगर शराब बंदी की गई तो पूरी तैयारी तो एक अलग मुद्दा है। मुझे लगता है कि जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि जिन जिन नालों को बंद करना था, जिन जिन रास्तों को पैक करना था, वहाँ वो पैक नहीं किया गया। तो पहले एक मान लीजिए कि एक सोच विचार होता कि ये करें या नहीं करें, करें तो किन किन तैयारियों पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि कहीं ना कहीं ये प्रावधान छोड़ दिए गए हैं, लूप होल इनको हम लोग बोलते हैं, वो छोड़ दिए गए हैं कि हम कानूनी तरीके से तो इसको बंद कर चुके, लेकिन ये चलता भी रहे। ये दोहरी पॉलिसी जो है वो मुझे लगता है कि इसके लिए जिम्मेवार है, और अगर कोई भी हुकूमत चाहती है कि ये काम हम कर लेंगे तो दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह काम वो सफल कर लेती है। लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि अगर आपको कानून बनाना है तो उस कानून को लागू करना है ईमानदारी से, यह दृढ़ इच्छा शक्ति तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसका मुझे अभाव लगता है। इस कारण से हमारी जो ये योजना है शराबबंदी की, जो कानून है, वह सारा जो है वह फेलियर हो गया है। और बिहार में मुझे तो बड़ी मतलब बुरी स्थिति से मुझे लगता है कि गुजरना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सामाजिक सरोकार वाले लोग हैं, और समाज में हम यह भी देख रहे हैं कि इस शराबबंदी कानून के बाद मुझे तो लगता है कि और भी ज्यादा नशाखोरी बच्चों में बढ़ गई है, और वे डिलीवरी बॉय का काम करने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, महिलाओं को इन्वॉल्व किया गया है, ये एक पैरेलल मतलब एक व्यवस्था चल रही है जो पहले नहीं था। दुकानों में शराब बिकती थी और जिनको था वो खरीद करके ले आते थे, जिनको जरूरत होती थी, लेकिन अभी जो गांवों की स्थिति है वो मैं खास करके बताना चाहूंगी कि गांवों की ऐसी दुर्दशा हो गई है जिसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं जब तक कि गांव में रह करके आप अनुभव न करें, और मैं गांव में रह रही हूं, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत नजदीक से जानने का अवसर मिला कि कैसे 10 साल के का बच्चा और बच्ची उसकी डिलीवरी करते हैं, उसके थ्रू भेजा जाता है कि उनको दे दो और छुपा करके दिया जाता है, महिलाएं इसके लिए ये नियुक्त कर दी गई हैं, और लोग जो पीछे खेत वगैरह होता है, बगान होता है, उसमें वो कच्ची शराब वगैरह की भट्टी लगाते हैं छुप छुपा करके, तो ये सारा जो है वो और ज्यादा बर्बादी की ओर ले जा रहा है समाज को। तो इसके लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि सामाजिक तौर पे, सामाजिक तौर पे समाज इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है, चूंकि ये बात भी समझ में आती है कि अगर सरकार कोई फैसला करे और समाज उसको एक्सेप्ट करे तभी वो फैसला कामयाब होता है। तो ये स्थिति क्या बिहार में है? आपको लगता है कि बिहार में स्थिति का आकलन अगर कर लिया जाता, स्टडी कर ली जाती, जिसकी दलील छत्तीसगढ़ सरकार भी यहाँ पे दे रही है कि पहले स्टडी की जाए, समझा जाए और उसके बाद लागू किया जाए, ताकि ऐसी स्थिति ना हो। क्योंकि मैं पूरी लिस्ट देख रहा था, सिर्फ दो ही राज्य है जहां पर शराबबंदी करने के बाद हटाने की नौबत नहीं आई है, बिहार को भी, क्योंकि 4 साल इसलिए नहीं जोड़ रहा हूँ, केवल नागालैंड 89 से वहां पे है, 60 से गुजरात में, बाकी जो मिजोरम भी है वहां भी 2014 से 2019 तक शराबबंदी को खत्म किया गया था। तो ये स्थितियां जो बनती हैं ये क्यों बनती हैं? और दूसरी चीज कि व्यापक इस पे डिस्कशन और स्टडी की जरूरत है, उसके बाद लागू करें ताकि
आपको फैसले वापस लेने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, ये तो है ही। आपका सामाजिक स्तर क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, समाज में कितनी परतें हैं और वे लोग क्या कर रहे हैं, किन किन तबकों के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं ज्यादा, और उनको रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर रिसर्च होना चाहिए था। और अगर समाज में तह तक जाकर के लोग इसको समझ पाए और उसके बाद कुछ सोच करके लागू करें तो बेहतर परिणाम आने की आशा हम लोग कर सकते हैं। तो इसको नजरअंदाज कर दिया गया है, एक कानून बनाया गया और कानून रख दिया गया। तो कानून रख देने मात्र से इसका कोई निदान मेरे ख्याल से तो संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सामाजिक चेतना की जहां तक बात है, मैं कह रही थी, और सामाजिक सरोकार की भी, तो हेलमेट लगाना हमारे लिए जरूरी है, बाइक जो चलाते हैं उनके हित के लिए है, बेल्ट लगाना जो चार पहिया वाहन चलाते हैं उनके लिए जरूरी है कि बेल्ट सीट बेल्ट बांध लें, लेकिन आप ये देखिए कि वो कितने लोग कर पाते हैं। अगर पुलिस का भय ना हो तो लोग नहीं करते हैं, तो फाइन का डर नहीं हो तो लोग नहीं लगाते हैं, ना हेलमेट लगाते हैं ना ही बेल्ट लगाते हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि हम कितने जागरूक हैं, हमारा भारतीय समाज कितना जागरूक है। पुलिसिया डंडे की अभी भी हम लोग जरूरत महसूस करते हैं। तो ऐसे में केवल ये सोचना कि लोग अपने बौद्धिक ज्ञान की बदौलत या फिर जागरूकता के कारण और स्वास्थ्य के प्रति अपने ये चाव के कारण और स्वास्थ्य के प्रति चिंता के कारण अगर वो लोग शराब को तौबा कर लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी उम्मीद हम अभी निकट भविष्य में कोई बांध सकते हैं। तो यहाँ भय से ही काम चल रहा है, जिसके लिए सरकारी भय होता है तो उतने भर के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, और बहुत कम प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपनी देखभाल खुद करने के लिए चिंतित हैं, तत्पर हैं और समर्पित हैं, तो उनकी संख्या बहुत कम होगी। तो समाज इसीलिए अभी इसको ठीक ढंग से समझ भी नहीं पा रहा और लागू भी नहीं कर पा रहा है, केवल भय के चलते लोग ये काम रोकते हैं, अगर रुकते भी हैं कहीं तो। मंजीत जी, आप इस पर कुछ कहेंगी? मैं दोनों की बात लेती हूँ। अक्षिल जी ने एक पॉइंट कहा कि एक बात जो हुई है, प्रभाव जो दिखता है कि लोग रात को लड़कियां वहां महिलाएं हैं वो जा सकती हैं, क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं रहता है, उसके कारण एक जो आजादी मिली है। मैं बहुत हद तक उस बात को नहीं मान पा रही हूँ कि इसका संबंध शराबबंदी से या शराब नहीं पीने से, क्योंकि गुजरात एक एडवांस है इस तरफ के राज्यों की तुलना में, और वहाँ लड़कियों को जेंडर इक्वेलिटी की जो स्थिति है वो बेहतर है, उनको उस तरीके से शिक्षा दीक्षा मिलती है वहाँ पे। उनका महाराष्ट्र गुजरात ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लड़की लड़कियों की भेदभाव की बात। हाँ, महाराष्ट्र में भी घूम सकते हैं, मुंबई में तो, मध्य प्रदेश में भी घूम सकते हैं। उस तरह का कॉन्टेक्स्ट का सवाल, जी, कॉन्टेक्स्ट का सवाल है, तो इसलिए वो चीजें नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने भी माना कि कंजम्पशन लेवल उससे बहुत कम नहीं हुआ है, और एक तंत्र वहां भी खड़ा होगा महंगा। दूसरी एक बात जो शांति जी ने एक बहुत अच्छी कही है उसको, कि जो चीजें, एक उन्होंने उदाहरण दिया हेलमेट का या दूसरी चीजों का, कानून का। मैं एक और बात कहूंगी, आपने अभी देखा जैसे लॉकडाउन घोषित हुआ लोगों ने बटोरना चालू कर दिया, तो जैसे आप शराबबंदी करते हैं मुझे लगता है कि शराबबंदी की आवाज उठाने वाले लोगों के पीछे कहीं वो शराब के व्यापारी तो नहीं है, क्योंकि इससे सबसे अधिक फायदा उन्हें ही होने वाला है कि उनके पास कंजम्पशन उनका बढ़ जाएगा। तो जैसी कोई चीजें बंद होने वाली है, जैसे 2 अक्टूबर को आपको मांसाहारी वो दुकानें बंद होंगी, आप ये बस घोषणा कर दीजिए 1 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पी जाती है, तो शराब बंदी होगी ये बात कहते ही वो कई गुना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों को नहीं मिलने का जो अंदर अभाव है वो बढ़ेगा। तो सामाजिक चेतना की स्थिति अभी हमारी यहाँ तक है। तीसरे एक महत्वपूर्ण बात है जो आप बार बार ये समझना कि समाज इसको कैसे लेता है, मुझे लगता है शराबबंदी के बजाय समाज में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा वर्ग हो रहा है, तो घर महिलाएं हो रही है। महिलाएं इसलिए हो रही है कि उनका ये भार बढ़ जा रहा है कमाने का, और जो कमा के वो ला रही है, एक तो पुरुष अपना कमाने का भोजन वो भी शराब में डाल रहा है, उसकी वजह महिलाओं का भी वो लेके जा रहा है और मारपीट कर रहा है अगर वो नहीं दे रहे हैं। तो धीरे धीरे जो गुलाबी गैंग की तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सज्जी का एक बड़ा नेटवर्क है, इस तरह की महिलाओं के इंस्टीट्यूशन को, युवाओं के इंस्टीट्यूशन को इसको उपयोग में करना चाहिए, और उनके माध्यम से इस पूरे माहौल को क्रिएट करना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर उपाय लगता है। अखिल जी, मंजीत जी जो बात कह रही हैं कि
शराबबंदी एक पॉलिटिकल इशू ज्यादा नजर आता है और उसमें लोगों के अपने इंटरेस्ट भी हैं, आप क्या मानते हैं? उसमें है पॉलिटिकल होने के साथ साथ इकोनॉमिक इशू भी है, और जहां तक शराबबंदी की बात है उसको अगर इफेक्ट में लाना है तो उसके लिए समाज को तैयार करना भी जरूरी है। आप अगर कनाडा का उदाहरण लीजिए, 1920s में कनाडा में शराबबंदी थी, लेकिन 40s में उसको उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि वहाँ कोई प्रेशर था, लेकिन लोगों में रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग को डेवलप करना कि हम लिमिट में रहें, लिमिट में पिए, अपने हेल्थ के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए पिए, अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को रखते हुए पिए, उन चीजों को समाज में डिस्कस करना शुरू हुआ। देखिए, कोई भी चीज अगर हम बैन करेंगे, आज आप कोई भी एक पुस्तक को बैन कर दीजिए, एक मूवी को, एक फिल्म को बैन कर दीजिए, देखिए उसकी तरफ लोग कितने आकर्षित होते हैं। ये जो हमारा एक मेंटालिटी हम लोगों के बीच में है कि कोई बैन हुआ मतलब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट जागने लगता है, तो ये कहीं ना कहीं हमको समाज में नीचे से काम करना बहुत जरूरी है। हर एक परिवार लेवल पे इस बारे में बात होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बात नहीं करते। अब अगर परिवार में फादर हैं या बड़े भाई हैं, वो लोग अगर बाहर जाकर पी के घर आते हैं और घर में बच्चों को बोलते हैं कि नहीं पीना नहीं चाहिए, तो हम उस मामले में बच्चे तो नहीं मानते। जहां तक गुजरात की बात है, मैं फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि यहाँ ओपनली लोग पीकर नहीं चलते हैं, उसके कारण सच में लॉ एंड ऑर्डर काफी मेंटेन रहता है। जो आप कई बार बैंगलोर भी आप देखिए, बहुत फ्री सोसाइटी मानी जाती है, लेकिन बैंगलोर में कितने झगड़े होते हैं उसको आप जान सकते हैं, महिलाओं को लेके ज्यादा होते हैं, छेड़खानी भी होती है। बम्बई में पहले नहीं होते थे, अब बम्बई में भी होने लगा है। तो ये जो एक धीरे धीरे करके जो हम अपनी मानसिकता को संकीर्ण करते जा रहे हैं, और सब लोग ये सोचने लगे हैं, फिल्मों का बहुत बड़ा असर है, हर जगह आप देखिए, चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, कुछ भी अगर टेंशन की बात है, कुछ है, तो हीरो अपना बैठ के पिएगा। हाँ, आजकल के गाने देख लीजिए, उसमें भी शराब घुसी हुई है। तो अब एक पूरी मूवी बन गई जो बूट लेगिंग के ऊपर, रईस जो अहमदाबाद की बूट लेगिंग पे, वो पूरी मूवी बन गई है। उसको किस तरह से हमने सराहते हुए देखा लोगों ने, एक बहुत बड़े स्टार उसके हीरो थे। तो ये सारी चीजें हमको कहीं ना कहीं शराब बंदी के नाम पर रोड़े अटकाती हैं। अगर हम पॉजिटिव ड्रिंकिंग के ऊपर बात करें, रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग के ऊपर बात करें, तो शायद हम लोग एक पॉजिटिव सोच डेवलप कर पाएंगे, जिससे लोगों को एडिक्शन तक नहीं जाना पड़ेगा, घर बार बेचना नहीं पड़ेगा, और एक लिमिट के तहत शायद जो पीने वाले हैं वो पीते रहें। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहूंगा डॉक्टर शांति यादव और बाकी मेहमानों से भी समझना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग की बात इन्होंने की, पंजाब या हरियाणा को अगर देखें तो शराब पीकर के जो मामले सामने आते हैं उसकी तुलना में ये मामले बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ज्यादा नजर आते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह तो मुझे यही लग रही है, जैसे कि अभी अभी मैंने कुछ 2-3 दिन पहले देखा था, पढ़ा था कहीं, कि महाराष्ट्र में जितनी शराब की खपत है अभी, लॉ ये जो शराबबंदी है बिहार में, उस समय में महाराष्ट्र से ज्यादा खपत शराब की बिहार में है। और बिहार में खपत क्यों है जबकि यहाँ शराबबंदी है? तो हम लोग अगर ये सोचते हैं कि शराबबंदी है तो क्राइम घट जाएगा या शराब पी करके लोग इधर उधर नहीं करेंगे, तो वो कैसे संभव हो सकता है जब शराब रुकी ही नहीं है? वास्तव में अगर कागजों पे आपने रोक दी शराब, तो शराब रुकी हुई नहीं है, बंद नहीं है, लोग पी रहे हैं और लोग उसका उत्पादन भी कर रहे हैं और लोग उसको बाहर से आयात भी उसका कर रहे हैं और निर्यात भी कर रहे हैं, जो भी करना है। तो ये रुका नहीं है, तो जब रुका ही नहीं है तो वो तो अपना फलाफल दे करके ही जाएगा, वो जो हम लोगों की आदत है, तो वो कहाँ रुकने वाली है? इसलिए जब तक कि यह मुकम्मल तरीके से बंद नहीं हो जाती है शराब, या पूरी नशाखोरी को भी हम लोग ले सकते हैं, हर तरह का नशा जो है उस पर कोई रोक अगर मुकम्मल तरीके से नहीं लगाई जाती है,
तब तक तो समाज अभिशप्त ही रहेगा। जी संदीप जी, अखिल जी, इसमें सर एक चीज तो ये है कि उनको मालूम है कि मुझको कल भी मिल जाएगी और मुझको इसके लिए कहीं जाके झगड़ा नहीं करना है, किसी से मारपीट नहीं करना है और मुझको आसानी से ये मिल जाएगी। इसलिए शराब को के जुड़ते हुए जो झगड़े हैं वो एक अलग तरह के होते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं जो विमेन एम्पावरमेंट की बात मंजीत कर रही वो भी साथ में बहुत मायने रखती है, क्योंकि पंजाब हरियाणा इन स्टेट्स में विमेन की भी एक घर के अंदर उनकी भी एक अच्छी पकड़ होती है और उसके कारण भी आप देखेंगे कि वो महिलाओं से जुड़े हुए जो प्रकरण है उसमें कम होती है बनिस्बत कि आप बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन सब स्टेट्स में अगर देखें तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि जहाँ जिस स्टेट में ज्यादा शराब पीते हैं वहां से ज्यादा क्राइम होता होगा। तो हमारे देश में आज जो सबसे ज्यादा शराब जिस स्टेट में पी जाती है वो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आसाम, केरला में था, अब आसाम नंबर वन। अच्छा अच्छा। तो ये एक बड़ा मतलब एक आई वुड से इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जिसको स्टडी जरूर करना चाहिए। और आपने ये जो मुद्दा उठाया है शराबबंदी को सामाजिक परिवेश से, सामाजिक सोच से जोड़कर सोचने का, ताकि हम वो रास्ते निकाल सकें कि जहां लोग शराबबंदी को बंदी ना समझें बल्कि एक ऐसी व्यवस्था समझें कि जिससे कि हमारे घरों के बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य उस अंधे कुएं की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो अब रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग को मैं डिफाइन अगर करूं तो उसके लिए ये है कि आप अपना खुद का नियम बनाइए कि भाई आप दो पैक पियेंगे, तीन पैक पियेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, चुपचाप अपने घर पे रहेंगे, इधर उधर घूमना फिरना और जो हल्ला गुल्ला और मस्ती होती है वो सब नहीं करेंगे तो आप एक रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग में आ जाएंगे। लेकिन अब ये कई जगह पे एक दो पैग होगा, कई जगह पे छह पैग होगा, पंजाब में तो पटियाला पैग आप जानते हैं कितना फेमस है वहां का, मुस्कुरा रहे हैं अभी क्योंकि पंजाबी हैं तो उनको ज्यादा मालूम है कि पटियाला पैग भयंकर होता है। लेकिन मैं एक मतलब मजाक की बात छोड़ के, ये बहुत जरूरी है कि हम सामाजिक परिपेक्ष को और शराब को अगर जोड़ के कुछ निकाल करें, बंद करके मेरे हिसाब से सब कुछ समाधान नहीं हो पाएगा। ऐसा होता तो शायद हमारा विश्व बहुत सुख शांति का होता, हम अब तक सारे युद्ध समाप्त कर दिए होते, हम अब तक सारी शस्त्र समाप्त कर दिए होते, अब तक मुस्लिम हिंदू जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो खत्म हो गए रहते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, वो यूटोपिया दिख नहीं रहा है। मंजीत जी, एक बात जो रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग और दूसरा एक और फैक्टर लेंगे कि जो नियम बिहार में लागू हुआ शराबबंदी के तरीके का, जो गुजरात में हुआ या असम मेघालय में, वो छत्तीसगढ़ में होगा, ये वाला जो क्राइटेरिया है वो तो बहुत ही हास्यास्पद सा है। क्योंकि शिक्षा अगर मैं कहूँ तो तीन चार इंडिकेटर को विकास के जो मानव विकास सूचकांक है उसमें उनका स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, उनके शिक्षा की स्थिति क्या, उनके पोषण की स्थिति क्या, उनके आजीविका या आय के क्या क्या स्रोत है, इस फैक्टर को जब आप देखते हैं तो उसके अनुसार विकास का मॉडल बनता है ना, या कोई नियम या कानून बनता है। यहाँ पे ट्राइबल की क्या स्थिति है, ट्राइबल के कल्चर में क्या चीज है, आपने उस ट्राइबल के कल्चर पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वो शायद एक बहुत अच्छा परंपरा या गौरवशाली परंपरा है, उसके पास उसका संसाधन था, उसका अपना महुआ था जिससे वो सुखपूर्वक जी रहा था। आपने शराबबंदी बोल के उस एक कल्चर के छोटे से हिस्से को, एक अच्छे हिस्से को गोवा में जिसे गौरवशाली के रूप में देते हैं, यहाँ पे वो शर्मिंदगी आपने बना दी। आज वो आदिवासी भी बोलता है, आदिवासी भी अच्छे अच्छे मंचों में बोलता है कि हम शराबबंदी कराएंगे, ये भाषा उसको पॉलिटिकली दे दी गई, जबकि वो उसके लिए आय का एक बड़ा स्रोत हो सकता था, वो एक उसका परंपरागत एक ड्रिंक विदेशों में जा सकता था, वो शर्मिंदगी की बात। उसमें एक चीज और है मंजीत जी, कि जब बच्चे वहां पे छोटे रहते हैं उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं होते हैं तो सर्दियों में थोड़ी सी शराब पिलाई जाती है जो महुआ की होती, ताकि वो बॉडी उनकी गर्म रहे। आप अगर उनके बीच जाएंगे, उनके
साथ रहेंगे तो ये बहुत अनोखा नहीं लगेगा, लेकिन बाबा से वो भाषा उन तक पहुंचा दी गई। आज वो आदिवासी नेता, कितने ऐसे नेता हैं वो वहाँ पे बोलते पाए जाते हैं, और हमें बड़ा दुख होता है कि आपको कोई और ये भाषा दे रहा है, कोई और पॉलिटिकल एजेंडा दे रहा है, और आप अपने उस परंपराओं और संस्कृतियों से उसे दूर कर रहे हैं। तो एक ये मुद्दा है। तीसरी इसमें बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कैसे देखेंगे। आपने कोई पहाड़ है वहाँ जंगल है, आदिवासियों को सक्षम नहीं बनाया कि उस जंगल के संसाधन को उपयोग करें, आपने किसी बाहरी कारपोरेट को वो जंगल दे दिया कि आप इसे माइनिंग करिए और उसको रिहैबिलिटेट कर दिया, वो बेचारा हो गया, बाद में वो मजदूरी कर रहा। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है शराब के साथ भी। आपने उस पूरे संसाधन के सदुपयोग को सिखाया ही नहीं, उसे उस योग्य बनाया ही नहीं, उसको आय के स्रोत बनाने नहीं दिया, उससे पहले उस पूरे मामले से उसको हटा दिया, उसका एकमात्र जो उसकी ताकत थी उसको हटा दिया, और अब आप उसको बोल रहे हैं ये नहीं करना, और नया फिर वहां पे अंग्रेजी ड्रिंक पहुंचाएंगे और इसका वो आदि होगा, वो बीमार पड़ेगा जिसके लिए तैयार हुई है। जी प्रभात जोशी लिखते लिखते मर गए कि अगर ब्रिटेन में महुआ होती तो वहां का राष्ट्रीय पेय होता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा लंबी है और लगातार चलने वाली चर्चा है, क्योंकि ये भी समझना पड़ेगा, बहुत बड़ा सवाल है हमारे देश में, जैसा कि जिक्र मेहमानों ने किया, कि जिस देश में लोग हेलमेट इसलिए नहीं लगाते हैं कि उनकी सुरक्षा हो बल्कि जुर्माना न हो, उस देश में क्या कानून बनाने से सिर्फ किसी सामाजिक बुराई को दूर किया जा सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।